अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियाज बाय सहर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीथिंग विल बी डूइंग गुड और एंजॉय कर रहे होंगे आप अपना वीकेंड। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ कि जब आप शादी करने का सोचें तो आप किस तरह की लड़की चूज़ करें। ये स्पेशली वीडियोज़ जो है मेरी लड़कों के लिए है कि किस तरह की आपको लड़की चूज़ करनी है, किस तरह के लोग चूज़ करने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया आजकल के हालात में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि किस तरह से आपने अपनी शादी को लेके चलना है। अभी कल ही मैं एक न्यूज़ पढ़ रही थी कि लाहौर में, ओनली इन द लाहौर सिटी, लास्ट 10 डेज में 500 डिवोर्स लॉसूट जो है वो दाखिल किए हैं लड़कियों ने। अच्छा, उसके उन्होंने डिफरेंट रीज़न लिखे थे जो कि बहुत ही अफसोसनाक बात है। शादी के ऐसा बंधन है कि आपको साथ लेके चलना पड़ता है, लेकिन उसके एक नहीं, उसके बहुत सारे रीजन थे। तो मैंने सोचा उस पर वीडियो बनाऊं और आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर सकूं, या मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है या जो भी है उसको मैं आप तक पहुंचा सकूं। अच्छा, उसकी रीज़न उन्होंने ये लिखी हुई थी कि डोमेस्टिक वायलेंस है और इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा इशू बनता जा रहा है। महंगाई की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस है, अनएम्प्लॉयमेंट है और इंटरफेरेंस ऑफ अदर्स है। बहुत ज़्यादा आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है कि लोगों की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करना बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है और हो गया है। स्पेशली जब एक नया मेंबर घर में आता है तो फिर आपने उसको किस तरह से बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें वो देखनी पड़ती है। लेकिन हम लोग बिल्कुल ही टिपिकल एंड कंटेम्पररी जो हमारे चल रहे हैं तरीक़ेकार उनको लेके चल रहे हैं। लेकिन अब जो माइंड सेट है लोगों का वो 360 डिग्री पे जो है दैट हैज़ बीन चेंज्ड। तो लोगों को ये एक्सेप्ट करना चाहिए, अभी ससुराल वालों को, बहके वालों को, लड़के को, लड़की को, ये सब चीज़ें जो हैं वो एक्सेप्ट करनी चाहिए और इसी तरह फिर जो है वो रिश्ता लेके चलना चाहिए। तो मैं कुछ आज आपको बातें बताऊंगी, ये स्पेशली वाली वीडियो जो है वो लड़कों के लिए है कि किस तरह से आपने किस लड़की का इंतखाब करना है। हमारे इतना ज़्यादा मटेरियलिज्म है कि सिर्फ हम ये देखते हैं कि जनाब लड़की गुड लुकिंग हो और ये हो वो हो, इस तरह से दिखती हो, कतरीना कैफ दिखती हो, कपड़े ऐसे पहनती हो। हम ये देखते हैं कि सारी चीज़ें लड़कियों में होनी चाहिए। आप उसके लिए क्या कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी फैमिली किस तरह की, किस माइंड सेट की है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, जिस भी आजकल इतना ज़्यादा बुरा नहीं माना जाता, चाहे आपकी लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले अपनी लिमिट्स और एक्सपेक्टेशंस जो है वो पूछ लेनी है कि क्या है, आपने अपनी बतानी है और सामने वाले की पूछनी है। अगर आपको कोई ऐसी लड़की मिल जाती है मतलब की, तो आपने ज़रूर उसके लिमिट और एक्सपेक्टेशंस जो है वो पूछनी है और वो बतानी है कि किस तरह से आपने जो है आगे चीज़ों को लेके चलना है और किन चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है और किन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। दूसरी बात ये कि अगर आपने कोई एक होम मेकर देखनी है और या आपने करियर ओरिएंटेड देखनी है, ये दोनों भी एक में मिल सकती है। ये आपकी बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती है कि एक करियर ओरिएंटेड लड़की और एक होम मेकर आपको दोनों में एक ही जगह मिल जाए। दोनों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। होम मेकर, मैं ये नहीं कहूँगी कि दे आर नॉट लाइक, मतलब वो हमारी जो पेरेंट्स थे, हमारी जो मदर्स थी, वो भी दे आर कम्प्लीटली होम मेकर और उन्होंने बहुत सारे काम किए, सब कुछ किए, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन आपने थोड़ा सा, मुझे ये दुख होता है यहाँ के लोगों का देखते हुए कि लड़की आपको MBBS चाहिए, लड़की आपको बैचलर्स चाहिए, लड़की ये चाहिए, लड़की वो चाहिए, और फिर आप उससे क्या करते हैं, घर के काम करवा रहे हैं। ठीक है, आपने सारी डिग्री जो उसके पेरेंट्स ने, जो उसने मेहनत की थी, सारा पैसा लगाया था, यूनिवर्सिटी जाने आने में मेहनत की थी, वो सब एक तरफ वेस्ट होके रह गया। ठीक है, समझ लिए, एक डस्टबिन में डाल दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं कहती हूँ अगर आपको होममेकर लगती ढूंढिए, उसके पास अगर प्रोफेशनल डिग्री है तो आप उससे पूछ लीजिए कि वो वेदर शी वॉन्ट्स टू कंटिन्यू द जॉब और नॉट। अगर वो जॉब करना चाहती है शादी के बाद भी, तो फिर आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, आप कोई और लड़की ढूंढिए। अदरवाइज आपका पूरा ये है कि घर संभालने वाली मिले कुछ। अब तो आजकल वर्क फ्रॉम होम इतना कॉमन हो गया कि घर भी संभल सकता है और बाहर के कुछ जॉब वगैरह भी हो सकती है घर बैठे। सिर्फ बहुत से लोग अपने आप को मसरूफ रखने के लिए जॉब करते हैं या जो भी करते हैं, ठीक है। लेकिन आप एक MBBS और एक इंजीनियर लड़की ला रहे हैं, तो बराए मेहरबानी उनको उनकी जॉब करने दीजिए, उनको उनके मतलब का मिल जाएगा और आपको अपने मतलब की होम मेकर मिल जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपने होम मेकर लानी है तो इसी तरह की कोई घरेलू लड़की का इंतखाब करें, कोई बैचलर्स की भी हुई जिसको इंटरेस्ट ना हो जॉब में या जिसको घरदारी में इंटरेस्ट हो, इस तरह की करें। और अगर आप करियर ओरिएंटेड ला रहे हैं तो फिर आपने उसको वैसे ही लेके चीज़ें चल रही हैं। लेकिन
करने से पहले, शादी करने से पहले, मंगनी करने से पहले आप खुद बात करें, चीज़ों को क्लियर करें। इंडिया में बहुत ज़बरदस्त मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि जिस तरह से अगर वो लड़के लड़की की शादी हो रही है तो वो लड़के लड़की को बात करने का मौका देते हैं, चले सामने नहीं करें लेकिन ये कि पीछे बात करने का मौका मिल जाए, आपको फ़ोन पर बात कर लीजिए, एक बार कर लीजिए, इतना नहीं कि आपने अंडरस्टैंडिंग के लिए 6-6 महीने 1-1 साल लगा दिया, ये भी बहुत बड़ा मसला है, मैं इस पर ज़रूर बात कर दूँगी। ठीक है, अपना माइंडसेट और लड़की का माइंडसेट चेक करें कि क्या है, अगर वो मैच करता है तो आप फिर आगे बढ़ें, अदरवाइज़ आप आगे ना बढ़ें। सिर्फ शक्ल देख के आपको लगता है कि शक्ल देख के ही सब कुछ हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसी को फैमिली में मुबतला होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनकी 1 महीने बाद 2 महीने बाद जो है वो डिवोर्स हो गई, क्यों? क्योंकि उनके माइंडसेट नहीं मिलते थे। तो अरेंज मैरिज और लव मैरिज कोई मसला नहीं है, आपका जो मेन चीज़ है या मेन थिंकिंग है दैट इज़ योर माइंडसेट। ठीक है, तो अच्छा एक और बात जो मैं बताना चाहूँगी कि आजकल लोगों में सब बर्दाश्त की कमी हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जॉइंट फैमिली का सिस्टम जो है वो अब ऑलमोस्ट वैनिश होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, और मेरे ख्याल से ये सही भी है एक तरीके से, जो जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं मैं उनको बुरा नहीं कह रही और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सब लोग मिलके भी रहते हैं, अलग अलग भी रहते हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर मैं लड़के को यही क्या मम्मी ऊपर चढ़ा, तो जनाब हम कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन या जो भी कह लीजिए। अच्छा एक बात ये कि अगर आप लड़की चूज़ कर रहे हैं ठीक है, तो वो अपने बराबर की चूज़ करें, इस तरह से इस्लाम में भी है कि आप जब भी लड़की चूज़ करने जाएं तो ना आप कम में वालों में तो कर सकते हैं, या अपने बराबर वालों में कर सकते हैं, या अपने ऊपर वालों में, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक का जो क्लासेस हमारी या सोसाइटी में बनी हुई हैं तो उनके माइंडसेट अलग अलग होते हैं, तो ओके कोशिश करें कि अपनी तरह के जो लोग हैं, अगर आप ज़्यादा दीनदार हैं तो उस तरह के लोग देखें, अगर आप आपके यहाँ खवातीन पर्दा करती हैं तो वो उस तरह की लड़कियाँ भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं, आलमा होती हैं, ये होती हैं, तो वो सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये देखें कि लड़की का जो लड़की वाले जो हैं या उसकी मदर हैं या उसके पेरेंट्स हैं वो किस तरफ से ज़्यादा मिलते हैं, वो ननिहाल में ज़्यादा उनका झुकाव है या ददियाल की तरफ ज़्यादा झुकाव है, या उन दोनों को बैलेंस लेके चलते हैं, क्योंकि ब्रॉटअप जो है लड़की का ऑब्वियसली वो किस माहौल में हो रहा है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आगे आने वाली जो नस्लें चलती हैं वो सारी लड़की से ही चलती हैं, माँ से ही चलती हैं। ठीक है, अगर उनका झुकाव ननियाल की तरफ ज़्यादा है तो लड़की का भी इसी तरफ ही ज़्यादा होगा शादी के बाद भी, अगर झुकाव ननियाल की तरफ ज़्यादा है तो जब दोनों तरफ बैलेंस है तो इस तरह से ये ज़रूर ऑब्जर्व करिए, मैं लड़कों को कहूँगी कि किस तरह से आपने चीज़ों को लेके चलना है, क्योंकि एक आप माइंडसेट जो है आजकल लोगों का जो माइंडसेट बन गया है आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप फसलत को चेंज नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत आदतें चेंज कर सकते हैं लेकिन हमारे यहाँ सब अपने आप को परफेक्ट समझते हैं, लर्निंग कैपेसिटी हमारे यहाँ बहुत कम हो गई है। ठीक है, तो हम कुछ सीखना नहीं चाहते, हम कुछ सुनना नहीं चाहते, और इसी तरह जो है वो मसले मसाइल बाद में जन्म लेते हैं। कोशिश करें कि आप जैसे आप शादी करके ला रहे हैं तो आप घर में पोषण वगैरह कुछ अलग है, ये खाना पकाना कुछ अलग कर लें, इस तरह से टेंशन नहीं रहती किसी भी चीज़ की, अंतिल आपकी कोई मजबूरी नहीं है। जी हम बात कर रहे थे कि अगर आप प्रोवाइड कर सकते हैं एक अलग पोर्शन, अलग घर, सेपरेट सारी चीज़ें तो कर दीजिए। हमारे यहाँ शादी जो होती है वो एक पाकिस्तान इंडिया की एक जंग बन जाती है। ठीक है, और जो लड़का है उसका किरदार कश्मीर जैसा हो जाता है, तो इन चीज़ों से अवॉइड करने के लिए आप कोशिश करें कि सारी चीज़ें आप अलग ही प्रोवाइड करें। एक लड़ाई झगड़े के माहौल में पढ़ने वाली जो लड़की है, पलने वाली जो लड़की है, वो उसका एंटायरली वे ऑफ लिविंग जो है या वे ऑफ ट्रीटिंग पीपल विल बी डिफरेंट, और एक सुकून के माहौल में, एक चिल माहौल में पलने वाली जो लोग हैं या लड़कियां हैं उनका वे ऑफ ट्रीटमेंट इज़ एंटायरली डिफरेंट। ठीक है, बहुत से लोग आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है कि फिर अच्छा ये एक और बात ज़रूर देखिए कि अगर शादी से पहले या आपके फ्यान से हैं या जो भी हैं शादी से पहले वो आपकी माँ बहनों की बुराइयाँ करती हैं, आपके फादर की, आपके भाई की बुराई करती है, तो ऐसे लोगों से बिल्कुल कट ऑफ कर लें। ठीक है, जो आपके लोगों की, आपके घर वालों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकती वो आपकी भी नहीं कर सकती। ठीक है, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल कट ऑफ करें और कोई और लड़की ढूंढें
आपको आके सबको रिस्पेक्ट, ऑब्वियसली आपको ये एक माहौल, ये एक वो है कि जिस तरह से अगर इज्जत देंगे तो इज्जत लेंगे, ठीक है। आजकल के ज़माने में यही है जो कि हम देखते भी हैं, इसी तरह से सारा माहौल है, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रही है तो आपकी भी नहीं करेगी। और आपने देखा है कि वो किस तरह से आजकल कोई भी आर्ग्यू करना पसंद नहीं करता है, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, इतने मसले हैं, महंगाई है, जॉब करें काम करें, तो वो खवातीन उनको उनका दिमाग इतना कर करके सुन कर देती है और खुद वो कुछ नहीं करती है दूसरों के लिए, लेकिन वो दूसरों के पीछे लगी रहती है कि इसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, वैसे कर लिया, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया। और अपने आप को कंपैरिजन दूसरों से करने वाली लड़कियों से तो बिल्कुल भी आपने करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सारी जिंदगी यही करती रहेंगी, बच्चों के साथ यही करती रहेंगी, ठीक है। तो आपने आपने रिव्यू करना है कि कोई बिगड़ी हुई बदतमीज औलाद तो नहीं है अपने पेरेंट्स की, क्योंकि वो 3-4 बदतमीज और पैदा करेंगे और इस तरह से आपकी जिंदगी खराब, बिल्कुल डेड हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि 15-16 साल बाद जो है वो डिवोर्स हो गई, वो इसी वजह से, क्योंकि खवातीन जो है वो फिर बदतमीज होती हैं, लाउड होती हैं, आर्ग्यूमेंट हर वक्त की, कंप्लेंस जो होती हैं वो हर वक्त की करती रहती हैं। तो मर्द जो है वो जाहिर है, मैंने आपसे जैसे कहा कि सारे लोगों में जिस तरह से लड़कियों में पेशेंस कम हो गई है, तो जेंट्स में भी कम हो गई है। तो वो फिर कहते हैं कि हम अगर किसी लिए कमा रहे हैं, हम किसके लिए कमा रहे हैं, घर वालों के लिए, सुकून के लिए कमा रहे हैं। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल क्रिएट करता है और फिर इट एंड अप विद नथिंग, इस तरह से रिश्ता खत्म हो जाता है। तो कोशिश करें कि इस तरह का पार्टनर चूज करें कि आपने पहले ही आपको पता हो कि किस तरह से आपने लेके चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं। ऑब्वियसली शादियां जल्दी क्यों खत्म हो जाती हैं, क्योंकि आपके माइंड सेट मैच नहीं करते, वो एडजस्टमेंट मैच नहीं करते। अच्छा, मैं एक लड़कियों के लिए भी एक अलग बनाऊंगी बिल्कुल वीडियो, के किस तरह से कैरी करना चाहिए। हमारे यहाँ ये सब चीज़ें ट्रेनिंग देनी चाहिए लोगों को, अब बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए, वो बिल्कुल फूलों की तरह पालते हैं, पालना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है कि उनकी पर्सनैलिटी इस तरह से बनाई जाए कि वो अगले माहौल में जाके जो है वो एडजस्ट हो जाए, ठीक है। जो कि एडजस्टिंग नेचर आजकल लोगों की नहीं है, लड़ाई झगड़े करके अपना दामन बचा लिया जाता है हर चीज़ से, कि किसी को किसी को किसी की खिदमत ना करनी पड़े, किसी को कुछ 2-4 पैसे किसी पे खर्चने पड़े करना पड़े। हालांकि हर इंसान जो भी आता है वो अपना रिस्क साथ लेके आता है, ठीक है। तो एक रीज़न लड़ाई झगड़ों का ये भी है, ये नहीं है कि आपके माइंडसेट नहीं मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लड़ाई झगड़ों का रीज़न ये है कि आपको किसी की खिदमत ना करना पड़ जाए, आपके 2 पैसे किसी पे खर्च करना पड़ जाए, लेकिन ये कि जो कराता है अल्लाह ताला कराता है, रिस्क अल्लाह बांध देता है। इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, इंसान के हाथ में कुछ होता तो बहुत कुछ खराब हो चुका होता, और ये मैं समझती हूँ कि एक ब्लेसिंग है ऊपर वाले की, उसने बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में रखी हुई हैं, ठीक है। तो ये चक्कर है कि माइंडसेट किस तरह का है लड़की का, उसके घर वाले किस तरीके से हैं, तो ये चीज़ें बहुत, मैंने ऐसी भी लड़कियां देखी हैं जो कि जज्बात में आके घर छोड़ के चली जाती हैं, उनको डिवोर्स भी हो जाती है या फिर खुला ले लेती हैं, और बाद में वो पछता भी रही होती है कि क्यों इस तरह से हो गया। जनाब, तो हम क्या बात कर रहे थे कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कोई अलग घर ले लेंगे, आपकी मजबूरी है तो ऑब्वियसली फिर आपको ऐसा पार्टनर चूज करना पड़ेगा जो कि एडजस्ट करे। तो मैंने जो आजकल देखा है कि वो जो जेंट्स हैं, जो मेल्स हैं, वो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, पर फीमेल्स भी कर रही होती हैं। हमारे यहाँ फेमिनिस्ट आ गई हैं, बहुत ज़्यादा तरीके की बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, हमें ये चाहिए, हमें ये करना है, हमें वो करना है। आपने आप जो भी हो, आप जितने भी बड़ी लड़की अपने अंदर घर के लिए लेके आ रहे हैं, लेकिन करना उसको वही चीज़ें हैं जो कि बाकी सब खवातीन करती हैं, जो कि आपके पेरेंट्स ने किया है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका जो बैकग्राउंड लेवल है वो मैच कर रहा हो, मेंटल लेवल मैच कर रहा हो। और इसी तरह हम ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। 1-2 साल लड़की को टाइम दें, एडजस्ट होने के लिए टाइम दें, लेकिन सबके साथ रहने वाले सबके साथ भी खुश रहते हैं, और अकेले रहने वाले अकेले रह के भी उनको मसले मसाइल होते हैं। मैंने ऐसे भी कपल देखे हैं जो कि दे आर लिविंग अलोन और उनको कोई आगे पीछे नहीं है कुछ करने वाला, लेकिन फिर भी उनके क्लैशेस रहते हैं और कभी कभी बात जो है वो डिवोर्स तक आ जाती है, सेपरेशन तक आ जाती है। तो ये सब, ये इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल, इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग, परसेप्शन। अदरवाइज
लोगों में मसले मसाइल सब जगह होते हैं, हर घर में होते हैं, कहीं ज़्यादा होते हैं कहीं कम होते हैं, लेकिन आपकी केमिस्ट्री मैच कर रही है, आपका मेंटल लेवल मैच कर रहा है, तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी इतने मसले मसाइल ज़िंदगी में हो चुके हैं कि आप एक बोझ नहीं ला सकते। मैंने देखा है कुछ खवातीन जो है वो मर्दों पर बोझ बन जाती हैं, ठीक है, तो ये भी मसला है बड़ा। तो इस तरह से नहीं है कि आप कुछ घर में कोई टेंशन ले आए, कोई बहुत ही बड़ी टेंशन ले आए, तो एजुकेटेड एक अच्छी यू नो लड़की का, दीनदार लड़की का, जो कि यू नो रिस्पेक्ट करती हो दूसरों की क्या सभी की करती हो, तो फिर उसके लिए बहुत अच्छा है कि आप ऐसी लड़की को चूज़ करें अपने लिए कि आपको आगे पछताना ना पड़े, क्योंकि आपकी पूरी पूरी नस्लें जो है वो इससे चलेंगी आपकी, क्योंकि माँ ही बच्चों की परवरिश करती है, तरबियत करती है, अगर उसकी खुद की तरबियत नहीं होती, एक्सपेक्टेशंस आप भी कम रखें कि एक आने वाली जो किसी को घर में कुछ काम नहीं करती थी या घर में थोड़ा बहुत काम कर देती वो आपकी आके सबकी खिदमत करेगी, ये आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। वो बहुत ही कम खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको ऐसी यू नो लड़कियाँ मिल जाती हैं, तो ये आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, आके खिदमतें करेगी, ये करेगी, वो करेगी, ठीक है। तो कोशिश करें कि अगर आपने शादी कर ली है, शादी हो गई है, अगर इस तरह के यू नो नार्सिसिस्ट टाइप के लोगों से आपका वास्ता पड़ गया है, ठीक है, अगर आपको कोई मैं कहते हैं नार्सिसिस्ट है, मैंने पूरी एक वीडियो की भी नार्सिसिज्म पे, और एनपीडी है ये, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसको साइकोलॉजिकली ट्रीट किया जाता है, मैंने पूरी इस पे वीडियो की भी है, काइंडली वो चेक कीजिए, उसको देखिए कि किस तरह के लोग हैं, किस तरह के बिहेवियर करते हैं अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं, ठीक है। और अगर आप यू नो आपको कोई मसला नहीं है कट ऑफ करने में ऐसे लोगों से, तो आप डेफिनेटली कट ऑफ कीजिए, क्योंकि आप सारी ज़िंदगी यू नो एक टॉक्सिक लोगों के साथ, बदतमीज लोगों के साथ नहीं गुजार सकते। तो इसी तरह से चलता रहता है ज़िंदगी का मामला, और ये है कि बस आपकी जो किसी मामले में किसी चीज़ में झूठ मत बोलिए, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सुहाने ख्वाब देखी हो या बड़े बड़े यू नो सपने ना दिखाइए। आजकल हमारे यहाँ जो लोग हैं वो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा यू नो इंस्पायर्ड हैं, बे इंतहा इंस्पायर्ड हैं लड़कियाँ, तो वो इन सब चीज़ों को नहीं समझती, वो समझती हैं कि भाई सबकी ज़िंदगी में कोई मसला नहीं है और लाइफ इसी तरह की होनी चाहिए, तो आइडियलाइज कर लेती हैं ऐसी चीज़ों को, जबकि लाइफ इज़ यू नो शादी इज़ कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहती हूँ बहुत बड़ी है। अगर आप नहीं उठा सकते हैं तो आप नहीं कीजिए, ठीक है, अगर आप नहीं उठा सकते हैं तो आप नहीं कीजिए, और चाहे वो लड़का हो लड़की हो, दोनों तरफ से इट्स अ कम्प्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप मुझे बताइएगा कि किस तरह की आपको यू नो किस तरह लगी मेरी आपकी वीडियो, और मुझे बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि और किन टॉपिक पे मुझे बात करना चाहिए, और फिर मिलते हैं दोबारा से, थैंक यू।